आईवी इंडिया न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। गोंडा में छात्रों ने जमकर बवाल किया है। घंटों जाम रहा राष्ट्रीय राजमार्ग। आज विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों ने विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर विश्वविद्यालय परिसर का घेराव किया। छात्रों ने कुलपति से मिलकर अपनी व्यवस्था बताई, जिस पर कुलपति द्वारा एक बार पुनः छात्रों को आश्वासन दिया गया। बार बार आश्वासन सुनकर छात्रों ने विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर कुलपति का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। साथ ही साथ प्रदेश के तमाम महाविद्यालय से आए सैकड़ों छात्रों ने राजमार्ग जमकर प्रदर्शन किया। गोंडा से लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय छात्र नेता अविनाश सिंह, मीनाक्षी सिंह, अभिषेक तिवारी व अवधेश यादव ने बताया कि छात्रों की बात को अनसुना कर कुलपति महोदय ने सिर्फ अपनी बात कही। बार बार आश्वासन सुनने से ही छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करने का निश्चय किया। साकेत महाविद्यालय की छात्र नेत्री मीनाक्षी उपाध्याय ने बताया कि महाविद्यालय बार बार छात्रों का शोषण कर रहा है। आए दिन छात्रों को तारीख दी जा रही है, किंतु छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण नहीं हो रहा। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए फैजाबाद जिले की पुलिस प्रशासन ने छात्रों को समझा बुझाकर घंटों बाद राजमार्ग जाम कर रहे छात्रों को हटाया। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बात कर छात्रों की समस्या का निवारण करने के कहा।